हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, ये फ्रॉक जो मैं आपको बता रही थी, ये जो मैंने कहा था आपको 64 रो पूरा बनाने के लिए, तो ये मैंने बना लिया। ये मेरा, ये अगर इसको चेन को देखें तो ये मेरा 32 चेन, यहाँ पे ये 30 और ये 1 और ये 2, ये पूरा हो गया है। अब इस तरफ से मैं ये पूरी सीधी सिलाई सीधी बिन जाऊंगी और उस तरफ से मैं इस 115 फंदों को घटा के 90 फंदा करूंगी। बराबर बराबर दूरी पे, दो के बाद, तीन के बाद आप दो का एक फंदा करते जाइए, तो ये मेरा 90 फंदा हो जाएगा। ये सीधी तरफ की, ये 32 चेन के बाद ये मैं पूरी सीधी रो बिन लूंगी। इसको सादा सिलाई जैसे मैं बना रही हूँ, ये पूरा इसी तरह से बिन लूँगी और उधर से मैं इसको घटा के 90 फंदे टोटल ऊपर बॉडी के लिए कर लूँगी। ये जो बॉडी बनाई है मैंने, ये 90 फंदों की बनाई है, तो ये बॉडी में बनाने के लिए इस 115 फंदों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे घटा के 19 फंदे कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने घटा के 90 फंदे कर लिए हैं। अब यहाँ से ऊपर मैं दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, इस तरीके से ये बॉडी की बिनाई करूँगी। जैसे हम लोग इसको बॉर्डर में भी बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं दो सीधा, दो उल्टा, तो मेरा लास्ट में भी दो सीधा आएगा। इस तरीके से हमारे 90 फंदे इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में दो सीधा और लास्ट में भी दो सीधा आएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ये जो हमने पिन लगाया है, ये 30 चेन पे, ये मैंने नहीं निकाला है। मैं यहीं से बॉडी को, बॉडी की लंबाई को काउंट करूँगी जब तक कि ये मेरा चेन 52 ना हो जाए। ये जो मैंने घटाई की है आस्तीन की, ये 52 चेन तक ये मैंने बनाया है ये बॉडी इतना। इसके बाद मैंने ये आस्तीन की घटाई की है, आस्तीन के फंदों का ये मैंने ये घटाई किया है। इसके बाद ये इतना, इसको आप 10-10 के बाद ऐसे लगाते जाइए तो आपको निशान लगा देखने में भी आसान रहेगा, गिनने में भी आसानी रहेगी। और जब ये हमारा दो उल्टा दो सीधा बिनते हुए 52 चेन हो जाएंगे तो हम आस्तीन घटाएंगे। अब मैं आगे का भी, मैंने देखिए ये बना लिया है, जैसा मैंने पिछले पल्ले का ये कंगूरा बनाया था, इसी तरह से मैंने आगे के पल्ले के लिए भी बना लिया है। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ और किया है कि ये जो मेरे 115 फंदे थे, तो मैंने बीच में इसमें एक फंदा और बढ़ा लिया है इस डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये 30 फंदों की डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन 30 फंदों की है और इक्वल डिवीज़न करने के लिए मैंने इसमें एक फंदे और बढ़ा के इसको 116 फंदे कर लिए हैं। ये 30 फंदों की डिज़ाइन है में, तो 90 फंदा मेरा इसमें चला जाएगा। बीच बीच में मैंने 7-7 फंदे रखे हैं और किनारे किनारे मैंने 6-6 फंदे रखे हैं। तो इसके लिए अब मैं, इसके बाद ये जो चोटी वाली डिज़ाइन पड़ती है ये मैं डालूँगी। ये डिज़ाइन जब दूसरा कलर लगाते हैं तो ये लास्ट वाले फंदे में मैंने ये वाइट जोड़ लिया है। अब ये चोटी वाली डिज़ाइन कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उधर से इसको हमने जोड़ लिया है, तो यहीं से हम इसको बिनाई करेंगे, क्योंकि चोटी चढ़ी चढ़ी आनी चाहिए। इस वाले ऊन को ऐसे दबा के ये इस तरह से एक एक फंदा एक एक रंग से बनाएंगे। इसको ऐसे अपनी तरफ दबा दिया, इसको इस तरह से, फिर ये हम वाइट बनाएंगे। ये यहीं से बनाएंगे जहाँ मेरी जाली ख़त्म हुई, हमने उल्टा बिना, उसके नेक्स्ट सिलाई से हम ये बनाएंगे। अब ये वाइट फंदे को इस तरह से दबा दीजिए, फिर ये ब्लू, फिर इसको इस तरीके से दबा दीजिए, फिर ये, तो ये हमारी इस तरह से गुथी गुथी चोटी जैसी ये डिज़ाइन बनती है। इसको दबा दिया, इसी तरीके से हम ये टोटल पूरी सिलाई बना लेंगे। ऐसे ये हमारी चोटी जैसी डिज़ाइन बन जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सिलाई पूरी कर ली है। अब इसको जब हम पलट के बनाते हैं ये, फिर हम इसको जब इसकी दूसरी सिलाई हम बनाते हैं तो लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट बनाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पहला फंदा उतार लिया और इस वाले को भी मैं इस ब्लू वाले से ही बना लूँगी इस तरीके से। अब इधर की बिनाई जब हम करते हैं तो इसको इधर की तरफ दबाते हैं और ये वाला ऊपर से ऐसे सीधा बिनते हैं। अभी तक हम लोगों ने उस
पहली सिलाई में उल्टा बिना था, इसमें सीधा बिनेंगे। इस तरीके से इस ऊन को ऐसे दबा दीजिए अपने फर्स्ट फिंगर से और इसको इस तरीके से आप बना लीजिए। ये दबा लीजिए तो ये जो हमारा गूंथ जाता है ये भी हमारा खुलता चला जाता है। ये इसको ऐसे दबाया और ये हमारे इधर से ये सीधा, इसको दबा दीजिए ये सीधा, इससे दबा के ये सीधा, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे तो ये हमारी चोटी वाली डिजाइन बन जाएगी। ऐसे ये देखिए इधर से ये ऐसे चोटी जैसी ये डिजाइन, ये देखिए ऐसे ये चोटी वाली डिजाइन बन जाती है। इसको आराम से ऐसे दबाया, ये ऐसे ये दबाया, ये डाग दबाया, ये ऐसे ये ऐसे। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे पूरी सिलाई। ये देखिए ये मैंने बना लिया है। लास्ट में मेरा फिर ये लाइट कलर ही बच रहा है तो इसको मैं लाइट ही बिनूंगी। इस ऊन को मैं इस तरीके से फंसा दूंगी, इस तरीके से इसको फंसा दूंगी और लाइट ही बिनूंगी, क्योंकि आगे की बिनाई मुझे ये लाइट कलर से करनी है। ये लाइट कलर अब आगे जाएगा तो इसको यहाँ से मैंने फंसा दिया। अब इस तरफ से इसको ऐसे फंसा के ये हमारे डिजाइन का जो डिवीज़न है इसके हिसाब से यहाँ पे किनारे हम लोगों ने 6 फंदा छोड़ना है और फिर डिजाइन के हिसाब से 5-6 फंदे छूटेंगे। तो उतना फंदा तक मैं ये ऊन नीला वाला फंसा के ले जाऊंगी, 12 फंदे तक ये मैं इस तरीके से इसको फंसा के ले जाऊंगी। ये देखिए ऐसे तरीके से इसको ऐसे फंसा लीजिए। अब ये दो सलाई हम लोग यहाँ से ये दो सलाई हम लोग वाइट कलर से बनाएंगे, इसके बाद ये डिजाइन डालेंगे इस तरीके से। इस डिजाइन को डालने के लिए ये वाइट कलर तो मैं एक ही गोला रखूँगी और ये ब्लू वाला जो है, जैसे इसमें मैंने रेड कलर से बनाया तो ये रेड वाला मैंने ये देखिए छोटे छोटे गोले मैंने अलग अलग फूल के लिए अलग अलग गोले लगाए हुए हैं। इससे ऊन भी बचता है और बिनाई भी पीछे से ख़राब नहीं लगती है। ये देखिए ये मैंने अलग अलग गोले यहाँ से यहाँ तक जितने फूल में हमारे ज़रूरत है उतना मेरा ये ऊन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है आ रहा है, और ये बीच का हिस्सा मेरा जो लाइट कलर जा रहा है वो बेस चलता चला जाएगा। तो इसके लिए आप ये गोला 3 गोला ले लीजिए डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग छोटे छोटे एक ही गोले में से कर लीजिए, या आप अगर बॉल से बना रही तो 3 बॉल अलग अलग लगा लीजिए, उससे आप ये डिजाइन बनाइए। ये 30-30 फंदों की डिजाइन है, मैं फिर बता रही हूँ। बीच में मैंने 7-7 फंदे रखे हैं, किनारे किनारे मैंने 6-6 फंदे रखे हैं। ये डिजाइन जो है हमारी जब ख़त्म होगी तो ये सीधी रो में ये डिजाइन ख़त्म होती है। इसके बाद हम फिर ये दो सिलाई सादा बनाएंगे और ये दो सिलाई सादा जब हम बनाएंगे तो हमारा ऊन यहाँ ख़त्म होगा, तो यहाँ से हम फिर डार्क वाला जोड़ेंगे और फिर हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे और इसके बाद फिर हम ये चोटी बनाना शुरू करेंगे। नहीं तो अगर हम इस लाइट वाले पर से ही चोटी बनाना शुरू करेंगे तो ये चोटी हमारी अच्छी नहीं आएगी, डिफरेंट आ जाएगी, जैसी नीचे है वैसी ऊपर नहीं आएगी। इसलिए एक सिलाई, ये देखिए एक सिलाई मैंने डार्क कलर से बनाने के बाद फिर इस तरफ से मैंने इस चोटी की बिनाई शुरू की है, क्योंकि हमारी डिजाइन सीधे में ख़त्म हो रही है और फिर ये दो सिलाई जब हम ये सादा बिनेंगे तो हमारी ऊन यहाँ सीधे में ही आके ख़त्म होगी। तो एक सिलाई उल्टी सिलाई डार्क कलर का लगा के बिनने के बाद ये चोटी बना लीजिए और फिर उसके आगे की बिनाई यही है। इसके बाद ये आस्तीन को घटा के इस तरह से फिर ये हमें मुड्ढे की लंबाई पूरी करनी है और इसके बाद फिर ये आस्तीन। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये बना लेंगी। अगर इसके बाद की भी बिनाई आपको जाननी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आगे भी बताऊँगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतने से ही ये डिज़ाइन बना लेंगी। तो आप ये फ्रॉक बनाइए, मैं ग्राफ इसका आपको दे देती हूँ, उस ग्राफ को डालते हुए आप अपने इस डिज़ाइन को बनाइए। ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनता है। आप चाहें तो इन दो कलर के अलावा बीच में आप फ्लावर किसी तीसरे कलर से भी बना सकती हैं, तीनों अलग अलग भी बना सकती हैं, या दोनों किनारे का अलग बनाइए, बीच का एक दूसरा कलर लगाइए, आपकी पसंद है। या आपके पास जो बच्चे बच्चे ऊन है आप उनसे बनाना चाहें आप उनसे बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं ये ग्राफ की डिज़ाइन आपको अभी दे देती हूँ,
और मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये मेरे इस रोज़ का ये ग्राफ है, आप इसको बना लीजिए, देख लीजिए, इसी तरह से ये बनेगा। ये पूरे 30 फंदों की डिजाइन है और लगभग 31 सलाई की भी डिजाइन है ये। तो इस तरीके से आप इसको बनाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा। आप इसको बनाइए और लोगों को गिफ्ट भी करिए, अपने बच्चों के लिए भी बनाइए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिजाइन पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लोगों को शेयर भी ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे आपको और भी अच्छी अच्छी डिजाइनें बताती रहूँगी। धन्यवाद। मैंने इसमें एक चीज़ और किया है कि ये जो मेरे 115 फंदे थे, तो मैंने बीच में इसमें एक फंदा और बढ़ा लिया है इस डिज़ाइन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये 30 फंदों की डिजाइन है। ये डिजाइन 30 फंदों की है और इक्वल डिवीज़न करने के लिए मैंने इसमें एक फंदे और बढ़ा के इसको 116 फंदे कर लिए हैं। ये 30 फंदों की डिजाइन है इसमें, तो 90 फंदा मेरा इसमें चला जाएगा। बीच बीच में मैंने 7-7 फंदे रखे हैं और किनारे किनारे मैंने 6-6 फंदे रखे हैं। तो इसके लिए अब मैं इसके बाद ये जो चोटी वाली डिजाइन पड़ती है ये मैं डालूँगी। ये डिजाइन जब दूसरा कलर लगाते हैं तो ये लास्ट वाले फंदे में मैंने ये वाइट जोड़ लिया है। अब ये चोटी वाली डिजाइन कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उधर से इसको हमने जोड़ लिया है, तो यहीं से हम इसको बिनाई करेंगे, क्योंकि चोटी चढ़ी चढ़ी आनी चाहिए। इस वाले ऊन को ऐसे दबा के ये इस तरह से एक एक फंदा एक एक रंग से बनाएंगे। इसको ऐसे अपनी तरफ दबा दिया, इसको इस तरह से, फिर ये हम वाइट बनाएंगे। ये यहीं से बनाएंगे, जहाँ मेरी जाली ख़त्म हुई हमने उल्टा बिना, उसके नेक्स्ट सलाई से हम ये बनाएंगे। अब ये वाइट फंदे को इस तरह से दबा दीजिए, फिर ये ब्लू, फिर इसको इस तरीके से दबा दीजिए, फिर ये, तो ये हमारी इस तरह से गुथी गुथी चोटी जैसी ये डिजाइन बनती है। इसको दबा दिया, इसी तरीके से हम ये टोटल पूरी सलाई बना लेंगे ऐसे। ये हमारी चोटी जैसी डिजाइन बन जाएगी इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये सलाई पूरी कर ली है। अब इसको जब हम पलट के बनाते हैं ये, फिर हम इसको जब इसकी दूसरी सलाई हम बनाते हैं तो लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट बनाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पहला फंदा उतार लिया और इस वाले को भी मैं इस ब्लू वाले से ही बना लूँगी इस तरीके से। अब इधर की बिनाई जब हम करते हैं तो इसको इधर की तरफ दबाते हैं और ये वाला ऊपर से ऐसे सीधा बिनते हैं। अभी तक हम लोगों ने उस पहली सिलाई में उल्टा बिना था, इसमें सीधा बिनेंगे इस तरीके से। इस ऊन को ऐसे दबा दीजिए अपने फर्स्ट फिंगर से और इसको इस तरीके से आप बना लीजिए। ये दबा लीजिए तो ये जो हमारा गूंथ जाता है ये भी हमारा खुलता चला जाता है। ये इसको ऐसे दबाया और ये हमारे इधर से ये सीधा, इसको दबा दीजिए, ये सीधा, इससे दबा के ये सीधा, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारी चोटी वाली डिजाइन बन जाएगी ऐसे। ये देखिए, इधर से ये ऐसे चोटी जैसी ये डिजाइन, इस तरीके से मैंने ये सिलाई पूरी कर ली है। अब इसको जब हम पलट के बनाते हैं ये, फिर हम इसको जब इसकी दूसरी सिलाई हम बनाते हैं तो लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट बनाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पहला फंदा उतार लिया और इस वाले को भी मैं इस ब्लू वाले से ही बना लूँगी इस तरीके से। अब इधर की बिनाई जब हम करते हैं तो इसको इधर की तरफ दबाते हैं और ये वाला ऊपर से ऐसे सीधा बिनते हैं। अभी तक हम लोगों ने उस पहली सिलाई में उल्टा बिना था, इसमें सीधा बिनेंगे इस तरीके से। इस ऊन को ऐसे दबा दीजिए अपने फर्स्ट फिंगर से और इसको इस तरीके से आप बना लीजिए। ये दबा लीजिए तो ये जो हमारा गूंथ जाता है ये भी हमारा खुलता चला जाता है। ये इसको ऐसे दबाया और ये हमारे इधर से ये सीधा, इसको दबा दीजिए, ये सीधा, इससे दबा के ये सीधा, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो ये हमारी चोटी वाली डिजाइन बन जाएगी ऐसे।
ये देखिए इधर से ये ऐसे चोटी जैसी ये डिजाइन, ये देखिए ऐसे ये चोटी वाली डिजाइन बन जाती है। इसको आराम से ऐसे दबाया, ये ऐसे ये दबाया, ये डाग दबाया, ये ऐसे ये ऐसे। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे पूरी सिलाई। ये देखिए ये मैंने बना लिया है। लास्ट में मेरा फिर ये लाइट कलर ही बच रहा है, तो इसको मैं लाइट ही बिनूंगी। इस ऊन को मैं इस तरीके से फंसा दूंगी, इस तरीके से इसको फंसा दूंगी और लाइट ही बिनूंगी, क्योंकि आगे की बिनाई मुझे ये लाइट कलर से करनी है। ये लाइट कलर अब आगे जाएगा, तो इसको यहाँ से मैंने फंसा दिया। अब इस तरफ से इसको ऐसे फंसा के ये हमारे डिजाइन का जो डिवीज़न है इसके हिसाब से यहाँ पे किनारे हम लोगों ने 6 फंदा छोड़ना है और फिर डिजाइन के हिसाब से 5-6 फंदे छूटेंगे। तो उतना फंदा तक मैं ये ऊन नीला वाला फंसा के ले जाऊंगी, 12 फंदे तक ये मैं इस तरीके से इसको फंसा के ले जाऊंगी। ये देखिए ऐसे, तरीके से इसको ऐसे फंसा लीजिए। अब ये दो सलाई हम लोग यहाँ से, ये दो सलाई हम लोग वाइट कलर से बनाएंगे, इसके बाद ये डिजाइन डालेंगे इस तरीके से। इस डिजाइन को डालने के लिए ये वाइट कलर तो मैं एक ही गोला रखूँगी और ये ब्लू वाला जो है, जैसे इसमें मैंने रेड, ये हमारे डिजाइन का जो डिवीजन है इसके हिसाब से यहाँ पे किनारे हम लोगों ने 6 फंदा छोड़ना है और फिर डिजाइन के हिसाब से 5-6 फंदे छूटेंगे। तो उतना फंदा तक मैं ये ऊन नीला वाला फंसा के ले जाऊंगी, 12 फंदे तक ये मैं इस तरीके से इसको फंसा के ले जाऊंगी। ये देखिए ऐसे, इस तरीके से इसको ऐसे फंसा लीजिए। अब ये दो सलाई हम लोग यहाँ से, ये दो सलाई हम लोग वाइट कलर से बनाएंगे, इसके बाद ये डिजाइन डालेंगे इस तरीके से। इस डिजाइन को डालने के लिए ये वाइट कलर तो मैं एक ही गोला रखूँगी और ये ब्लू वाला जो है, जैसे इसमें मैंने रेड कलर से बनाया, तो ये रेड वाला मैंने, ये देखिए छोटे छोटे गोले मैंने अलग अलग फूल के लिए अलग अलग गोले लगाए हुए हैं। इससे ऊन भी बचता है और बिनाई भी पीछे से ख़राब नहीं लगती है। ये देखिए ये मैंने अलग अलग गोले यहाँ से यहाँ तक, जितने फूल में हमारे ज़रूरत है उतना मेरा ये ऊन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आ रहा है, और ये बीच का हिस्सा मेरा जो लाइट कलर जा रहा है वो बेस चलता चला जाएगा। तो इसके लिए आप ये गोला, 3 गोला ले लीजिए डिजाइन बनाने के लिए अलग अलग छोटे छोटे, एक ही गोले में से कर लीजिए, या आप अगर बॉल से बना रही तो 3 बॉल अलग अलग लगा लीजिए, उससे आप ये डिजाइन बनाइए। ये 30-30 फंदों की डिजाइन है, मैं फिर बता रही हूँ। बीच में मैंने 7-7 फंदे रखे हैं, किनारे किनारे मैंने 6-6 फंदे रखे हैं। ये डिजाइन जो है हमारी जब ख़त्म होगी तो ये सीधी रो में ये डिजाइन ख़त्म होती है। इसके बाद हम फिर ये दो सलाई सादा बनाएंगे और ये दो सलाई सादा जब हम बनाएंगे तो हमारा ऊन यहाँ ख़त्म होगा, तो यहाँ से हम फिर डार्क वाला जोड़ेंगे और फिर हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे और इसके बाद फिर हम ये चोटी बनाना शुरू करेंगे। नहीं तो अगर हम इस लाइट वाले पर से ही चोटी बनाना शुरू करेंगे तो ये चोटी हमारी अच्छी नहीं आएगी, डिफरेंट आ जाएगी, जैसी नीचे है वैसी ऊपर नहीं आएगी। इसलिए एक सिलाई, ये देखिए एक सिलाई मैंने डार्क कलर से बनाने के बाद फिर इस तरफ से मैंने इस चोटी की बिनाई शुरू की है, क्योंकि हमारी डिजाइन सीधे में ख़त्म हो रही है और फिर ये दो सिलाई जब हम ये सादा बिनेंगे तो हमारी ऊन यहाँ सीधे में ही आके ख़त्म होगी। तो एक सिलाई उल्टी सिलाई डार्क कलर का लगा के बिनने के बाद ये चोटी बना लीजिए और फिर उसके आगे की बिनाई यही है। इसके बाद ये आस्तीन को घटा के इस तरह से फिर ये हमें मुड्ढे की लंबाई पूरी करनी है और इसके बाद फिर ये आस्तीन। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये बना लेंगी। अगर इसके बाद की भी बिनाई आपको जाननी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आगे भी बताऊँगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतने से ही ये डिज़ाइन बना लेंगी। तो आप ये फ्रॉक बनाइए, मैं